दोस्तों आज मैं रिपेयर करने जा रहा हूँ इस सीआरटी टीवी को, जिसका प्रॉब्लम है कि इसके अंदर से साउंड बिल्कुल सही आ रहा है लेकिन इसका पिक्चर और ग्राफिक्स नहीं बन रहा है। क्योंकि ये एक सीआरटी टीवी है, इसलिए हम जो भी टेक्निक यूज़ करेंगे वो सभी के सभी सीआरटी टीवी का ही होगा। तो अगर आप जानना चाहते हो कि इस प्रकार के कोई भी प्रॉब्लम को किस तरीके से ठीक किया जाता है तो आप इस वीडियो को देखते रहिए आखिर तक। और अब हम आपको दिखाएंगे कि इस टीवी के अंदर क्या ख़राब हुआ है, क्योंकि इसको मैं खोल कर रखा हूँ कि थोड़ा बहुत टेस्ट कर रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना दिया जाए, क्योंकि इस टॉपिक पर मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। तो फिर एक बार बता देता हूँ कि इस टीवी का प्रॉब्लम है साउंड ओके, नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम है। तो चलिए मैं इसको खोलता हूँ और उसके बाद आपको टेस्टिंग करके दिखाता हूँ कि इसके अंदर अगर कोई भी सीआरटी टीवी के अंदर ये प्रॉब्लम आएंगे तो आपको कहाँ कहाँ पे कितना वोल्टेजेस चेक करना होगा, उसके बाद आपका जो टीवी है वो ठीक हो जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, उसके बाद चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो दोस्तों चलिए आपको दिखाता हूँ कि इस टीवी के अंदर प्रॉब्लम क्या है। जैसे ही मैंने इसका पीछे की साइड खोल के चेक किया हूँ, यानी कि इसको एसी कनेक्शन यानी कि एसी पावर सप्लाई के साथ कनेक्शन किया हूँ, तो इसके अंदर जो हमारा ईएसटी ट्रांसफार्मर है ये लीकेज हो चुका है, जिसकी वजह से हमारा जो वोल्टेज है सही से नहीं बन रहा है और उसके बाद हमारा डिस्प्ले ऑन नहीं हो रहा है। तो एक बार मैं स्विच को ऑन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अभी मैं देख सकते हैं यहाँ पे दिया और यहाँ पे देखिए ये देखिए ये लीकेज कर रहा है हमारा ईएसटी, देखा आपने, आवाज़ भी निकल रहा था और स्पार्किंग भी निकल रहा है। तो हमें क्या करना होगा, इस ईएसटी को हमें चेंज करना होगा, क्योंकि लीकेज ईएसटी अगर टीवी के अंदर रहेगा तो हमारा जो पिक्चर ट्यूब है ये भी ख़राब होने का चांसेस रहता है और आपके पिक्चर ट्यूब के अंदर पिक्चर भी नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले हमें इसे ईएसटी ट्रांसफार्मर को बदलना होगा। तो चलिए मैं इसे ईएसटी ट्रांसफार्मर को सबसे पहले खोलता हूँ और उसके बाद इसका नंबर देखता हूँ और इसको हम नया वाला इसके अंदर लगाएंगे। अगर आपको ईएसटी के बारे में और भी डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो आप हमारे पहले जो ईएसटी के ऊपर वीडियो बना कर रखा हूँ 2-3, उन वीडियो को देख लीजिएगा, आपको ईएसटी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएंगे कि अगर आपको सेम नंबर का ईएसटी ना मिले तो वहाँ पर आप किस नंबर का ईएसटी लगा सकते हो। तो चलिए गाइस हम मिलते हैं, पहले हम लेके आएंगे मार्केट से इस ईएसटी को, उसके बाद हम नया वाला लगा देंगे। तो गाइस यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि इस टीवी के अंदर जो ईएसटी लगा हुआ है, इसका जब नंबर मैंने चेक करने के लिए गया तो इसके ऊपर जो ये स्टिकर लगा हुआ था, तो इसके ऊपर स्टिकर के ऊपर जो भी नंबर था वो सारे के सारे मिट चुका है और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इसके अंदर जो नंबर है वो नंबर का क्या था और कितने नंबर का ईएसटी है। तो जब मैंने इसको उखाड़ के देखा इसके ऊपर का स्टिकर, तो नीचे की साइड मुझे कुछ इस प्रकार से मिले हैं और इसके पीछे कुछ मतलब उल्टा करके लिखा हुआ है, देख सकते हो शैडो जैसा लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है 25N1682 इसके पीछे लिखा हुआ है। तो इस नंबर का ईएसटी आपको यहाँ पर लगाना होगा। अगर आपको 1682 का अगर ईएसटी ना मिले तो आप यहाँ पे 6006N नंबर का ईएसटी आप लगा सकते हो, क्योंकि मार्केट में इस तरीके का ईएसटी मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन 6006N जो भी मतलब ईएसटी ट्रांसफार्मर है ये मार्केट से बहुत ही आसानी से मिल जाती है। तो जब मैं मार्केट में जाऊँगा तो दुकानदार को मैं बोलूँगा कि मुझे 6006N का नंबर का मुझे ईएसटी दीजिए, और ये जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है इसको मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो और ये जो है दोनों इक्विवेलेंट है, क्योंकि ये एलजी टीवी है और एलजी टीवी के अंदर लगभग 6006N और 6006M इन दोनों मतलब दोनों जो ईएसटी है ये सबसे ज़्यादा लगता है। तो चलिए मैं चलता हूँ मेरे दुकान पर, उसके बाद नया वाला 6006N वाला यहाँ पर आके लगाऊँगा। तो गाइस हमने नया जो ईएसटी ट्रांसफार्मर है ये मार्केट से लेके आ चुका हूँ, एक बार आपको दिखा देता हूँ कि इस ईएसटी का नंबर कितना है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि आप इसके जगह पे 6006N वाला जो लगा सकते हो, तो ये जो 6006N वाला यहाँ पे हमारा जो नंबर का ईएसटी ट्रांसफार्मर है, तो इसी को ही हम लगाएँगे, ये 6006N। और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पे N1682 दोनों सेम ही है, तो आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो चलिए मैं पहले वाला जो यहाँ पे ईएसटी लगा हुआ था
इसको मैं निकालता हूँ और निकालने के बाद इसको यहाँ पे इंस्टॉल करके आपके दिखाता हूँ कि हमारा जो टीवी है नो डिस्प्ले का जो प्रॉब्लम था ये सॉल्व होता है कि नहीं। तो दोस्तों मैंने सीआरटी टीवी का जितने भी टीवी रिपेयरिंग का वीडियो डाला हूँ सारे टीवी के अंदर आप लोगों को सेफ्टी के बारे में ज़्यादा ध्यान में रखने के लिए कहा हूँ। खास करके जब आप ESD का काम करोगे तो ठीक उसी तरीके से जब आप ESD का कैप निकालोगे ऊपर वाला ये जो कैप है तो खोलने से पहले इसको डिस्चार्ज करना होगा, नहीं तो आपके साथ कोई दुर्घटना घट सकती है। इसके लिए मैं जब भी कहता हूँ कि जब आप ज़्यादा वोल्टेजेस का काम करोगे ज़्यादा वोल्टेजेस को लेकर काम करोगे तो आपको सेफ्टी का विशेष ध्यान रखना होगा, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो मैंने डिस्क्लेमर पे पहले ही बता देता हूँ कि जब आप हाई वोल्टेज पे काम करोगे तो अगर कुछ होंगे तो आपका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे। तो चलिए मैं इसको खोल देता हूँ और हम इस ESD को यहाँ पर लगा देता हूँ। तो गाइस ये हमारा पुराना वाला ESD जो कि यहाँ पर लगा हुआ था, तो इस जगह पर अब मैं लगाने वाला हूँ इस नया वाला ESD ट्रांसफार्मर को, देख सकते हो। और इस नंबर के बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया हूँ। तो चलिए अब मैं यहाँ पे इसको इंस्टॉल करता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा टीवी जो है वो ठीक होता है कि नहीं। गाइस जैसे कि देख सकते हो हमने सही सलामत ESD ट्रांसफार्मर को चेंज कर दिया हूँ। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे नया वाला जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और इसके अंदर जो भी कनेक्शन था वो सारे कुछ कनेक्शन हमने कर दिया हूँ। और अब बड़ी आते हैं इस टीवी को टेस्टिंग करना, हमारा ये जो टीवी है ये सही तरीके से चलता है कि नहीं, एक बार आपको टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। तो गाइस जब भी आप CRT टीवी को रिपेयर करोगे तो टेस्टिंग करने के समय फर्स्ट टाइम आपको सीरीज में कनेक्शन करना होगा, यानी कि सीरीज में टेस्टिंग करके देखना होगा कि हमारा टीवी का कंडीशन क्या है, यानी कि शॉर्ट है या नहीं, क्योंकि अगर लगाते समय अगर कुछ भी शॉर्ट हो जाए तो ताकि हमारा जो बाकी जो चीज़ें वो ख़राब होने के चांसेस कम रहे, इसलिए हमें जो टेस्टिंग का है टेस्टिंग का प्रोसेस है आपको सीरीज के साथ ही करना होगा, उसके बाद ही आपको फाइनल जो कनेक्शन है वो करना है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे मैं रखता हूँ इस कैमरा को और मैं क्या करता हूँ इस टीवी को मैं घुमा लेता हूँ इस तरीके से ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो जाए हमारा जो डिस्प्ले है। तो अभी देख सकते हो और अभी मैं इसको मैं देने जा रहा हूँ AC का लाइन, AC कॉर्ड लगाया और ये देख सकते हो। और जैसे कि देखा मैंने AC लाइन दिया और यहाँ पे LED देख सकते हो, इसका मतलब अभी जो हमारा पोजीशन है टीवी का वो बिल्कुल सही हो चुका है, क्योंकि आप देख सकते हो ये लोड ले नहीं पा रहा है। तो अब मैं इसको फाइनल टेस्टिंग के लिए मैं करंट पे दे रहा हूँ। तो चलिए मैं पीछे की साइड हमारा जो और एक एक्सटेंशन बोर्ड है यहाँ पे देख सकते हो, तो इस एक्सटेंशन बोर्ड पे मैं देता हूँ और इसके बाद स्विच को ऑन करता हूँ। जैसे ही स्विच ऑन किया आप देखोगे कि हमारा जो डिस्प्ले है वो आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये देख सकते हो, और अभी जो हमारे डिस्प्ले पे जो लाइनिंग देख रहे हो ये लाइनिंग आ रहा है हमारे ESD ट्रांसफार्मर के जो भी फोकसिंग चीज़ें है वो हमें सेट करना होगा। तो चलिए मैं उसका जो फोकसिंग की है मैं उसको घुमा के इसको ठीक करता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हो कि हमारा जो टीवी है नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम था वो बिल्कुल सही सलामत फिक्स हो चुका है, और कॉर्नर पे आपको थोड़ा सा एक कलर दिख रहा होगा, ये कलर ये गायब हो जाएंगे। वहाँ पे जो स्पीकर लगा हुआ था उसको हम खोल के फिर से लगाएंगे तो वो कलर का प्रॉब्लम है वो हमारा ठीक हो जाएगा। तो एक बार आपको सभी कुछ जो मेनू वगैरह दिखा देता हूँ। देखिए अभी जो हमारा है यहाँ पे इनपुट है, तो इनपुट पर हम क्लिक करेंगे, देख सकते हो अभी AV मोड पे आ चुका है, यहाँ पे AV लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे बाहर का जो लाइटिंग है थोड़ा सा ज़्यादा है इसलिए आपको ये AV दिखाई दे रहा होगा शायद। यहाँ पे देखिए AV लिखा हुआ है और मैं इसको फिर से कर रहा हूँ, देखिए ये बिल्कुल एकदम ओके हो चुका है। जैसे कि आप लोगों को पहले ही मैं बता दिया था कि इसके अंदर जो प्रॉब्लम था वो साउंड ओके नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम था, अभी जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो चुका है। देख सकते हो मेनू वगैरह सब कुछ आ रहा है एकदम सही सलामत, यहाँ पे देख सकते हो। तो अगर आपको अच्छा लगा इस वीडियो को तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप किसी प्रकार के वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके
बता सकते हो। उसके अलावा अगर कुछ आपके मन में सवाल है तो नीचे कमेंट करके बता सकते हो। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।